Dear students, I am Dr. S.K. Tamrakar from Bharati College of Engineering and Technology. I am teaching engineering drawing in Polytechnic second semester. Today's topic is projection of line. Here we are taking one question. A line 65 mm long has its end A in the 20 mm above the SP एंड 25 इन फ्रंट ऑफ द वीपी। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ से डाटा गिवन लिखना। डाटा गिवन मैं मार्क कर देता हूँ, आप उसे अलग से जरूर लिखेंगे। लाइन का ट्रू लेंथ आपको दिया हुआ है 65 mm। फिर पॉइंट ए की लोकेशन आपको दिए हुए हैं 20 mm अबव एचपी एंड 25 इन फ्रंट ऑफ वीपी। ये क्वेश्चन को ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, डाटा गिवन लगाना लिखना पड़ेगा ताकि आप कोई भूल ना जाए। सेकेंड एंड का बताया हुआ है यहाँ पे एन बी 40 एम एम अबव एच पी एन 65 इन फ्रंट ऑफ ई पी। ये इन बी के लिए बताया हुआ है, ये यहाँ पे इन ए के लिए बताया हुआ था। ठीक है, ड्रॉ इंक्लिनेशन एंड शो इंक्लिनेशन। तो चलिए इसको स्टार्ट करेंगे। ये सबसे पहले एक्स वाई लाइन खींचा, एच पेंसिल से हल्का एक्स वाई लाइन खींचा एच पेंसिल से हल्का। देन इसके बाद पॉइंट ए को हम लोग पहले लोकेट करते हैं 20 एम एम अबव एच पी। ठीक है, यहाँ पे 20 एम एम अबव एच पी हमने पॉइंट ए डैश ले लिया एंड 25 एम इन फ्रंट ऑफ ई पी। ये 25 एम इन फ्रंट ऑफ ई पी ये हो गया। यहाँ पे डायमेंशन प्रॉपर लिखनी है 20 mm 25 mm, बराबर से एरो बना के सुंदर लिखना है आपको, नहीं तो डायमेंशन यदि प्रॉपर नहीं होगी तो यहाँ पे आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो साफ सुंदर बने और मार्क्स आपको बराबर मिले इसके लिए ड्राइंग अच्छा सुंदर दिखना चाहिए। ठीक है, देन इसके बाद में आपको बताया हुआ है पॉइंट बी 40 mm अबव एच पी। अब यहाँ पे हमारा लेंथ तो फिक्स हुआ नहीं है, लाइन के एंगल दिए नहीं हुए हैं, तो इसको हम एक काम कर लेते हैं कि इसको हम लोग इसके लोकस लाइन बना लेंगे। पॉइंट बी जो है उसके लोकस लाइन बना लेंगे 40 mm अबव एच पी। ठीक है, यहाँ से हमने 40 mm मेजर किया, 40 mm, और यहाँ पे लोकस लाइन खींच लिया। इस लोकस लाइन पर बी का फ्रंट व्यू आएगा, जहां पे भी आपका है यहाँ 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 इसी लोकस साइड पे आएगा। वैसे ही 65 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, यहाँ पे हमने टॉप व्यू का भी लोकस साइड खींच लिया 65 mm। प्रॉपर बढ़िया एरो बना के इनको दिखाने हैं आपको। ठीक है, 65 mm यहाँ पे लोकस लाइन खींच लिया 65 mm का। ठीक है, यहाँ पे हमने डायमेंशन बताया है, कोई पॉइंट यहाँ पे नहीं बनाया है ना। कुछ लोग गलती से यहाँ पॉइंट बना लेते हैं, बट ये जगह तो फिक्स नहीं है, खाली हमने ये डिस्टेंस मेजर किया हुआ है। ठीक है, अब आपको ये बताया हुआ है दिस साइड ए बी इज 65 mm लॉन्ग। तो ये 65 mm में से आपका ट्रू लेंथ है, तो ट्रू लेंथ हमको कब दिखता है, मैंने आपको बताया है कि जब आपका टॉप व्यू पहला एक्सवाई होगा तो फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ और ट्रू इंक्लिनेशन मिलेगा। और सेकेंड केस होता है जब आपका फ्रंट व्यू पहला एक्सवाई होगा तो टॉप व्यू में ट्रू लेंथ और ट्रू इंक्लिनेशन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फ्रंट व्यू को पहला टू द एक्सवाई बना लेते हैं और इसका लेंथ लेते हैं ट्रू लेंथ 65 mm। ठीक है, यहाँ पे हमको एक पॉइंट मिल गया बी वन डैश। ठीक, बी डैश क्यों लिखा, बी डैश एंसर को लिखते हैं और ये पैरेलल तो है नहीं एंसर, एंसर कुछ एंगल पे बना रहा है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से हमने प्रोजेक्टर ड्रॉ किया 65 mm से प्रोजेक्टर ड्रॉ किया हमने। फिर इसके बाद बताया हुआ है ट्रू लेंथ 65 mm, तो ट्रू लेंथ आप 65 mm का यहाँ फ्रंट व्यू में आर्क लेंगे और यहाँ पे कट कर देंगे। दिस इज 65 mm
दिस इज 65 mm, दिस इज पॉइंट B1। अब यहाँ से प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आपको पैरेलल टू द एक्स वाई होगा क्योंकि यहाँ ट्रू लेंथ दिख रहा है 65 mm, तो ये टॉप व्यू आपका पैरेलल टू द एक्स वाई होगा और ये एंगल जो है हमारा ये थीटा एंगल एंगल विद एच पी ये निकल रहा है यहाँ पे, इसको मेजर कर लेंगे ठीक है एच पी इसको मेजर कर लेंगे। ये वाला पॉइंट B1 कीजिए प्रोजेक्टर परपेंडिकुलर लाइन लंबवत रेखा पर पॉइंट हमको मिल गया B1। वैसे ही हम फिर से 65 mm का आर्क लेंगे और यहाँ पे टॉप व्यू बनाएंगे, ये टॉप व्यू बना दिया 65 mm, ये एंगल हो गया आपका फाइ जो आपको मेजर करना था, ये पॉइंट हो गया B2 ठीक है। ये ट्रू लेंथ और ट्रू एंगल आपको कब दिखेगा जब आपका फ्रंट व्यू पैरेलल टू द एक्स वाई हो ठीक है, तो यहाँ पे दिखा फ्रंट व्यू यहाँ पैरेलल टू द एक्स वाई किया दिस पॉइंट इज B2 डैश एंड दिस पॉइंट इज B2, तो आपको B2 डैश B1 डैश ये सारे एक ही प्रोजेक्टर एक ही वर्टिकल लाइन पर मिलने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपको ये शॉर्टर फ्रंट व्यू मिल रहा है, छोटा फ्रंट व्यू है ठीक है, ये फ्रंट व्यू हमको बी को फ्रंट व्यू के लोकस में रोटेट करना पड़ेगा और ये टॉप व्यू है इसको टॉप व्यू के लोकस में रोटेट करना पड़ेगा ठीक है। तो अब हम इसको ए डैश से आर्क लेकर प्रोजेक्टर पे लगा के राउंडर पे लगा के इसको रोटेट किया, ये हमको मिल गया बी डैश। अब ये फाइनल आंसर है ना, यहाँ पे हमको ये बी डैश मिल रहा है। वैसे ही ए बी वन का आर्क लिया यहाँ से यहाँ तक का और इसको रोटेट कर दिया, ये हमको पॉइंट मिल रहा है बी। हम देखेंगे ये बी और बी डैश एक ही प्रोजेक्टर एक ही वर्टिकल लाइन पर आ रहे हैं। अब हमें यहाँ पे ए डैश बी डैश जो हमारा फ्रंट व्यू है इसको डार्क करना है और ए बी ये जो हमारा टॉप व्यू है इसको डार्क करना है, ये हमारे आंसर रहेंगे ठीक है। ये ए डैश बी डैश फ्रंट व्यू और ए बी टॉप व्यू ये डार्क करने हैं, ये एच बी पेंसिल से बनाने हैं, बाकी सारा कुछ स्क्वायर पेंसिल से रहेगा और ये एक्स वाई मीडियम रहेगा एच पेंसिल से। तो आप जब भी ये क्वेश्चंस बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि एक्स वाई आपका एच से मीडियम रहे, ये एच पेंसिल से मीडियम रहेगा ठीक है, और ये एच बी पेंसिल से डार्क रहेगा फ्रंट टू टॉप व्यू और बाकी सारे जो व्हाइट कलर से बने हुए हैं वो सारे व्हाइट वाले एच पेंसिल से हल्के बहुत हल्के आने चाहिए लगभग ना दिखे ऐसे ठीक। और ये आंसर्स आप मार्क कर देंगे थीटा और फाई, ये आपके आंसर्स आ रहे हैं ठीक है। ओके स्टूडेंट्स विल स्टार्ट विद अदर क्वेश्चन। दिस प्रोजेक्शन ये आपको आधा दिया हुआ है और इसको कंप्लीट करना बोला हुआ है। द लाइन टू लाइन इज 30° टू HP, ये आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। ये आपको एक्स वाई लाइन दिया हुआ है ना, और आपको पॉइंट पी का लोकेशन दिया हुआ है, ये पॉइंट पी का लोकेशन दिया हुआ है 15 mm एंड 15 mm, दिस इज पॉइंट पी डैश पी एंड 45 degree, ये बताया हुआ है 45 degree हमारा ये फाइनल आंसर बताया हुआ है हमको 45 degree ये लाइन है 45 degree, और आपको यहाँ से डिस्टेंस लोकस लाइन बताया हुआ है 65 mm का, ये दोनों जहाँ पे आपको कट होंगे ये पॉइंट आपको पॉइंट क्यू है बोला हुआ है ठीक है। ये दो लाइन पैरेलल रहेंगे समांतर रहेंगे एक दूसरे के। अब ये आपको दिया हुआ है ये फाइनल आपका टॉप व्यू है, तो ये टॉप व्यू को यदि हम रोटेट करते हैं पैरेलल टू द एक्स वाई, ये पैरेलल टू द एक्स वाई इसको हमने रोटेट कर दिया
तो ये हमको फ्रंट में ट्रू लेंथ और ट्रू एंगल दिखाएगा। ट्रू एंगल हमको दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से हम प्रोजेक्टर खींचते हैं, इसके परपेंडिकुलर लंबवत प्रोजेक्टर खींचते हैं, कितनी भी लंबाई का जाएगा, उसके लंबाई में फिक्स नहीं है, खाली ये बताया हुआ है 30 डिग्री टू एच पी। तो ये ट्रू एंगल और ट्रू लेंथ हमको जब ये टॉप व्यू पैदल होगा तभी मिलेगा, इसको क्यू वन पॉइंट बोलती है। अब यहाँ पे 30 डिग्री की एक लाइन खींचेंगे हॉरिजॉन्टल के साथ, 30 डिग्री लेके बनाता हुआ एक लाइन खींचेंगे। अब ये 30 डिग्री जो है यहाँ पे आपको ट्रू लेंथ बता रहा है, ट्रू लेंथ ये मेजर कर लेंगे, बता देंगे क्या आपको ट्रू लेंथ मिल रहा है। एंड दिस पॉइंट इज क्यू वन डैश, यहाँ पे इसका क्यू वन डैश का लोकस लाइन खींच लिया हमने। अब इसी पे हमको क्यू का फ्रंट व्यू मिलेगा। ठीक है, इसके साथ में ये जो ट्रू लेंथ दिया हुआ है इसका आर्क हमने पकड़ा और यहाँ पर कट कर दिया, तो हमको यहाँ पे इसका ट्रू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मिल गया, इसको क्यू टू बोल लीजिए, ट्रू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मिल गया। दिस एंगल इज फाई, ये एंगल नापने हम लोग, ये ट्रू लेंथ है, ये फाई एंगल क्या मिल रहा है हमको, ये मिल गया। ठीक है, अब हमको एक काम और करना है कि यहाँ से ये प्रोजेक्टर डालने हैं, प्रोजेक्टर ड्रॉ करना है इसका हमको, जो इसका आपको फ्रंट व्यू पहला टू द एक्स वाई है, दिस वन इज क्यू टू डैश। ठीक है, जैसे हम बाकी सारे क्वेश्चन में करते थे, इसको कुछ एंगल पे घुमा दिया देन क्यू टू डैश हमको मिल रहा है पहला टू द एक्स वाई। अब यहाँ से पी डैश क्यू टू डैश का आर्क लिया और इसको हमने रोटेट कर दिया, दिस पॉइंट इज क्यू डैश। हम देखेंगे ये क्यू डैश और क्यू एक ही प्रोजेक्टर एक ही वर्टिकल लाइन पर मिलेंगे, इसका मतलब ये भी होता है कि आपने क्वेश्चन सही बनाया है। अब पी डैश क्यू डैश को ज्वाइन कर दीजिए और ये पी क्यू जो आपको शुरू से दिया हुआ है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। क्या है, कभी कभी कुछ कुछ स्टेप्स को हटा देता है और कुछ और स्टेप को बता देता है, जैसे मैथ्स हम लोग सॉल्व करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग, तो कभी x को हटा देगा y को वैल्यू निकालना पड़ेगा, y को हटा देगा x को वैल्यू निकालना पड़ेगा, वैसे ही सेम यहाँ पर है। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या क्या पॉइंट होती हैं वो नोट कर लीजिए, जो जिसपे हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है ट्रू लेंथ, ट्रू लेंथ ऑफ लाइन। सेकेंड होता है इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन विथ एच पी को बोलते हैं थीटा से, वी पी को बोलते हैं फाई से। ये यदि आपको ट्रू लेंथ दिया हो, थीटा और फाई दिया हो, तो आप कोई भी क्वेश्चन का आप यहाँ पे आंसर ये प्रेडिक्शन बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन लगा के कभी थीटा देता है, कभी वीपी फाई देता है, कभी टू ले देता है, कभी नहीं देता है, और भी है इसका पोजीशन है। थर्ड होता है पोजीशन ऑफ पॉइंट्स, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स लाइक पॉइंट ए का पोजीशन, बी का पोजीशन बता दिया 50 mm अबव इन फ्रंट ऑफ ई पी, फिर इधर बता दिया 65 mm इन फ्रंट ऑफ ई पी, इधर बता दिया जो पीछे क्वेश्चन में हुआ था वो का, वैसा भी ये डिफरेंट टाइप से आपको डिफरेंट क्वेश्चन थोड़े घुमा घुमा के पूछता है। ठीक है, यहाँ भी ये टिपिकल टाइप का डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, जहाँ पे आधा आपको बना दिया हुआ था और आधा नहीं बनाया हुआ था। जनरली लोग नीचे ये एंगल देख के ये सोचते हैं कि ये वाला एंगल दिया हुआ है तो वो आपको वीपी के साथ फाई दिया हुआ है, बट यहाँ पे ये वीपी के साथ जो एंगल दिया हुआ है दैट वाज बीटा, यहाँ पे जो एंगल आता है बड़ा वाला दैट वाज अल्फा। ये अपीयरेंट जो एंगल होते हैं अल्फा और बीटा, ये बताया हुआ है यहाँ पे बीटा 45 डिग्री टॉप व्यू के साथ एंगल होता है, ये एंगल होता है बीटा टॉप व्यू के साथ एंगल होता है, ये ट्रू लाइन के साथ जो होता है वो फाइव होता है। तो ऐसा आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस
आपको क्वेश्चन में बनाने पड़ेंगे बुक से देख देख के, और ड्राइंग शीट में या व्हाइट पेपर पे आप इसको बना के थोड़ा प्रैक्टिस करें, तभी एग्जाम में बनता है, ठीक है। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लाइन ए बी 90 mm लॉन्ग इज इंक्लाइन 45 degrees विद पी, इज टॉप यू मेक्स एंगल 60 degrees विद वीपी, द एंड ए इन द एच पी एंड 12 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, ड्रॉ इट फ्रंट यू एंड ट्रू इंक्लिनेशन विद द वीपी। यहाँ पे इसके आपको डाटा गिवन लिखने पड़ेंगे। ए बी 90 mm लॉन्ग, 90 mm ए बी, देन इट इज इंक्लाइन 45 degrees टू एच पी, दैट इज थीटा इक्वल टू 45 degrees, इस टॉप यू मेक्स एंगल 60 degrees। यहाँ पे बोला है टॉप यू, बीटा नहीं बोला है ना, टॉप यू। तो ये टॉप यू जो बना हुआ है वो फाई डी होगा, दैट इज बीटा इक्वल टू 60 degrees विद वी पी, वी पी के साथ ही 60 degrees बना रहा है। और आपको एंड ए बताया हुआ है, ए इन द एच पी, इन द एच पी एंड 12 mm इन फ्रंट ऑफ पी पी, 12 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। ये सारे डाटा गिवन आपको क्वेश्चन पढ़ के बराबर समझ में आने चाहिए, तब आपको इसका क्वेश्चन भी बनाएंगे इसके बाद हम लोग, ठीक है। तो चलिए ये हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं इसका। ये सबसे पहले एक्स वाई लाइन खींच देते हैं, एक्स वाई। यहाँ पे आपको बताया हुआ है दिस लाइन इज पॉइंट ए, सबसे पहले पॉइंट ए बताया है, इन द एच पी एंड 12 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। ए इन द एच पी बना हुआ है तो यहाँ पे ए डैश होगा इन द एच पी, फिर 12 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, 12 mm आपने बना लिया इन फ्रंट ऑफ वी पी, दिस पॉइंट इज ए, ये 12 mm का लेंथ पे है। इसके बाद आपको बताया हुआ है दिस लाइन ए बी 90 mm इज इंक्लाइन 45 degrees टू एच पी। तो चलिए ये 45 degrees टू एच पी पर ये हम लाइन बनाते हैं, और इसका लेंथ होगा 90, 45 degrees टू एच पी, ये 90 आपको ट्रू लेंथ बताया हुआ है 90 mm, ठीक है। यहाँ पे आपको पॉइंट मिल गया बी वन डैश, यहाँ पे लोकस लाइन खींच लिया, दिस इज लोकस ऑफ बी इन, लोकस ऑफ बी इन फ्रंट व्यू, ठीक है। देन इसके बाद इसका प्रोजेक्टर ड्रॉ किया, तो आपको यहाँ पे टॉप व्यू मिल रहा है शॉर्टर लेंथ का, ये पैरेलल टू द एक्स वाई रहेगा, इतना होता है प्रोजेक्टर, तो बी वन डैश के नीचे ये पॉइंट हमको बी वन मिल गया, ठीक है। अब इसके साथ आपको बताया हुआ है इस टॉप व्यू मेक्स एंगल 60 degrees विद द वी पी, तो टॉप व्यू बोल रहे हैं हमारे पास, अब यहाँ पे टॉप व्यू मिला हुआ है, बट ये टॉप व्यू पैरेलल टू द एक्स वाई है, इन्होंने बताया हुआ है टॉप व्यू 60 degrees का एंगल बना रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम 60 degrees पे एक लाइन खींच देते हैं, 60 degrees का इनफाइनाइट लाइन खींच देते हैं, और ए बी वन का आर्क लेते हैं और राउंडर से इसको रोटेट कर देते हैं, ये है 60 degrees, दिस एंगल इज बीटा, ठीक है। ये हमने रोटेट कर लिया, तो ये भी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन बनाया लगभग उसी तरह का समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे लोकस लाइन खींच लें, लोकस ऑफ बी इन टॉप व्यू, ऐसे लोकस ऑफ बी टॉप व्यू मिल गया आपको, कहाँ से मिला, ये 60 degrees का एक लाइन खींचा हमने, और ये जो हमको टॉप व्यू मिला है वो टॉप व्यू को रोटेट किया, जो यहाँ पे कट रहा है ये वाला पॉइंट हमारा आंसर हो गया बी, ये हमारा आंसर हो गया बी। अब यहाँ से हम ऊपर प्रोजेक्टर डाल देते हैं, ऊपर प्रोजेक्टर डाल देते हैं, और एक केस हम और कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे ए से आपको ट्रू लेंथ पता है 90 mm, यहाँ से हमने 90 mm का ये लेंथ कट किया 90 mm का,
और ये यहाँ पे कट हो रहा है, इसको ज्वाइन किया, सो दिस एंगल इज फाइव एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विथ वीपी, दिस पॉइंट इज पॉइंट बी टू। अब ये बी टू से हम वेक्टर ड्रॉ करें, बी टू से वेक्टर ड्रॉ किया, ये ए डैश के साथ में ये बी टू डैश पैरेलल द एक्स वाई रहे, तो हमको यहाँ पे टॉप में टू लेंथ और टू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मिलता है, ये टू लेंथ 90 mm का है, ठीक है। अब इसको हम पकड़ के यहाँ से ए बी से रोटेट कर लेते हैं, ठीक, ये आपको मिल जाएगा पॉइंट बी डैश, और ये बी डैश और बी एक ही ट्रेजर पर हैं, जिनको हम डार्क कर लें, ए डैश बी डैश ड्राइंग कर लें इनको, और ये तो आपको पता ही है क्वेश्चन में शुरू से ए बी इस टॉप इज मेकिंग 60 डिग्री विद द बीपी। तो ऐसा आपको क्वेश्चंस को प्रॉपर सबसे पहला पढ़ना जरूरी है, पढ़ने के बाद उसके डाटा गिवर होने चाहिए, लिखने चाहिए यहाँ से आपको देख के, फिर उसके हिसाब से ये क्वेश्चन हमें बनाने होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप बनाएं, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। एक्चुअली जैसा हम बना रहे हैं आपको लगता है आसानी से बन जाएगा, आप एक्चुअल मेजर करके बनाएं तो आपको इसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। वैसे ये पेपर तो 4 घंटे का होता है, तो समय रहता है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर कर लें।